Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अमरीका अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उसने अफगानिस्तान में क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। मामला धमकी से नहीं, सुलह की जबान से तय होंगे, ख्वाजा आसिफ की बीबीसी से गुफ्तगू। ये भी कहा कि पाक अमरीका एतमाद का फुकदान रातों रात खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से सर उठाकर निकलेगा। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई पनाहगाह नहीं, ये बात अमरीकी वजीर खारजा को बता दी। आज न्यूज से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रेक्स टिलरसन पर वाजे कर दिया कि खित्ते के मसाइल अमरीका के पैदा करदा हैं, अमरीका अफगानिस्तान में अपनी रिट कायम करे और मुहाजरीन की वापसी का बंदोबस्त करे। अफगान सदर अशरफ गनी भारत में भारत की भाषा बोलने लगे, पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ अमन कोशिशों का सिला दहशतगर्द हमलों की सूरत में मिला, भारत के साथ एयर कॉरिडोर की वजह से कोई भी ट्रांजिट ट्रेड बंद करने की धमकी नहीं दे सकता। नवाज शरीफ सऊदी अरब से आज पाकिस्तान जाएंगे, हसन नवाज की तस्दीक, कहा सऊदी अरब से लंदन जाने की खबरें बेबुनियाद हैं, एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को कल तलब कर रखा है। भारतीय फौज की एक बार फिर सीज फायर मुहाइदे की खिलाफ वर्जी, वादी लीपा और कैसर कोट में शहरी आबादियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग, दो खवातीन शहीद, छह अफराद जख्मी। कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपका नाम? आप खुश रहे? आपका नाम? मुराद अली। कौन सी यूनिट आपकी? मैं यूनिट थाना सरकार। देखिए तो शक्ल अभी ये मेरा हाल, ये इंटेलिजेंस ऑफिसर ने। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर सफूरा चौरंगी के करीब पुलिस एहलकार का नौजवान पर तशद्दुद, नौजवान ने पुलिस मोबाइल रॉन्ग साइड लाने पर एहतजाज किया था। पेशावर के हलका NH4 पर जिमनी इलेक्शन की मुहिम खत्म, इंतखाबी मार्का कल होगा, हलके में मसाइल के ढेर, आज न्यूज की हल